हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्निशियन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में। फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम के साथ मेरा जो अनुभव है वो काफ़ी ख़राब रहा है, उसी के बारे में आज के वीडियो में बात करूंगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि फ्लिपकार्ट एफिलिएट सबसे घटिया प्रोग्राम है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ आगे वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को स्किप करके कहीं मत जाइएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं Amazon और Flipkart का कंपेयर करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम ज़्यादा बढ़िया है या फिर Flipkart का। Flipkart का तो बिल्कुल घटिया प्रोग्राम है, जो कि आगे आप वीडियो देखोगे, प्रूफ देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ Flipkart का जो एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है वो सबसे घटिया एफिलिएट प्रोग्राम है। और कंपनी के मन में, जो फ्लिपकार्ट कंपनी है, इसके मन में लालच आ जाता है, जबकि उसके जो एसोसिएट्स हैं, जब उनकी अर्निंग होने लगती है तो इस कंपनी के मन में लालच आ जाता है और ये अपने एसोसिएट्स को उनका कमीशन देना नहीं चाहते। तो फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम का सच जानने के लिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना ही चाहते हैं तो आपको मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बैंगोड, बहुत सारी कंपनीज की एफिलिएट प्रोग्राम इस समय आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम को गलती से भी ज्वाइन ना करें, भूल कर भी ज्वाइन ना करें। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग के डैशबोर्ड को ओपन करके। जैसे कि आप देख रहे हो, ये है फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम का डैशबोर्ड। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये लोग करते क्या हैं। सपोज आपने इस महीने 5000 अर्निंग की इनके लिंक के थ्रू, जो इनके लिंक हैं, एफिलिएट लिंक हैं, आपने अपने वीडियो पे आपने शेयर किए, वेबसाइट पर शेयर किए, बहुत सारी मेहनत करी और आपने 5000 कमीशन अर्न किया। अब इन्हें लगता क्या है कि भाई इसने 5000 कमीशन अर्न कर लिया, हमें देना पड़ेगा, तो इनके मन में आ जाता है लालच। अब ये क्या करेंगे, अगले महीने आपकी जो अर्निंग है उस पर लगा देंगे कैप कि भाई आप अब इस महीने 2500 से ज़्यादा अर्न कर ही नहीं सकते। अब होता क्या है, मान लो हमने इस महीने 5000 अर्न किए तो अगले महीने भी तो भैया हमारे लिंक के थ्रू अर्निंग हो रही होगी ना। हो सकता है मान लो अगले महीने हमने 10000 अर्न कर लिए, लेकिन ये लोग देंगे हमें सिर्फ 2500, केवल 2500 दे के हमारी छुट्टी कर देंगे, ठीक है। अब ये कैप का क्या सिस्टम है, अब आप देख लीजिए। जैसे आपको मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं, ऊपर आप देख सकते हो जो इन्होंने कैप का सिस्टम किया हुआ है, हमारी जो अर्निंग होता है, जो हमारा कमीशन होता है, उस पर ये लगा देते हैं कैप। और ये बेसिकली ये हमारा जो पैसा है वो देना नहीं चाहते। अब आप ये बताओ, अगर हम जो इनके लिंक को शेयर कर रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, अपने वीडियोस के साथ शेयर कर रहे हैं या फिर हम अपनी वेबसाइट ब्लॉग पर शेयर कर रहे हैं, उससे हमारी जो अर्निंग हो रही है, जो हमारा कमीशन हो रहा है, उसका हमारा हक बनता है ना। और अगर आपकी नियत नहीं है, अगर आप देना नहीं चाहते हो, तो इस प्रोग्राम को बंद कर दो। तो आप देख सकते हो, जैसे मैं अब ये है, मैंने जो आप देख सकते हो 1 मई 2019 से 31 मई 2019 यहाँ इन्होंने कैप लगा दी। और आप देख सकते हो 7900 कुछ पर इन्होंने कैप लगा दी, ठीक है। अब हमारी अर्निंग इस महीने ये हुई, हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, चलो कैप लगा दी, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अब अगले महीने आप क्या देखोगे, मई के बाद जब आप जून के महीने पे जाओगे, तो जून के महीने पे आप यहाँ पर देख सकते हो जून मंथ का, जैसे 1 जून 2019 से और जून लास्ट, मतलब जून के महीने में इन्होंने जो कैप है वो कर दी 5000 कि भाई आप जून में 5000 से ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। अब हमारी जो अर्निंग, चाहे हमारा कमीशन बन रहा हो 20000, लेकिन ये देंगे हमें 5000 ही देंगे, ठीक है। लेकिन इससे आगे और जाइए, अब आता है महीना जुलाई का। आप देखोगे 1 जुलाई 2019 से और 31 जुलाई 2019 तक इन्होंने कैप लगा दी कि आप 2500 यानी 2500 रुपए से ज़्यादा आप अर्न ही नहीं कर सकते,
तो ये कहाँ की कलाकारी है समझ नहीं आ रहा है। अब मान लो अगस्त का महीना आएगा तो ये 1250 कर देंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा ये 0 कर देंगे, तो ये तमाशा कर ही क्यों रहे हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं, अब ये सब मान लो कैप के बाद भी, सब ये जो कैप पैप इन्होंने लगा रखी अर्निंग पर, उसके बाद भी हमने जो अर्निंग की है, तो आप देख सकते हो जो पेंडिंग पेमेंट 4190 बना रहा है और नीचे अप्रूव्ड पेमेंट 19750 बन आ रहा है। इन लोगों ने एक पैसा भी पे नहीं किया है, और इनका सिस्टम क्या है, ना तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ना इनका कोई इंटीमेशन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जो इन्होंने बोला था कि हमारी बैंक डिटेल, जो भी डॉक्यूमेंट थे, KYC थी, सारा कुछ कंप्लीट कर रखा है, अगर मान लो कहीं कोई कमी रह रही है तो इन्हें बताना चाहिए, मेल करना चाहिए, इंटीमेशन देना चाहिए कि आपकी पेमेंट इसलिए नहीं हो रही है। अब इन्हें अगर हम कांटेक्ट करना चाहें, कोई इन्हें मेल करना चाहें, तो ना तो इनका कोई कांटेक्ट नंबर है, ना इनका कोई ईमेल एड्रेस है। अब कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कॉन्टैक्ट अस, इस पर मैं 8 से 10 बार इन्हें मैं कर चुका हूँ। अब होता क्या, मैं दिखाता हूँ आपको, कॉन्टैक्ट अस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। अभी मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको, तो ये ओपन हो गया, एक फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी देनी है, यहाँ ये कहते हैं कि भाई आप अपना नाम दीजिए, यहाँ नाम दे दीजिए, उसके बाद जो पार्टनर आईडी होती है, यूनिक आईडी, वो यहाँ हमें दे देनी है। उसके बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट अगर आपको चूज करना है तो यहाँ पर क्लिक करके जो ऑलरेडी इन्होंने जो ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं उन ऑप्शंस को हमें सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसे हम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं वो दे दीजिए। मान लो ऊपर का मैं सबसे ये ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आप मैसेज लिख दीजिए कि भाई हमारी पेमेंट क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह है, कुछ भी लिख दीजिए, कोई इन्हें फर्क पड़ता नहीं। लेकिन आप नीचे देख रहे हो, नीचे आ रहा है कि सेंड योर फीडबैक, ठीक है। अब आप यहाँ क्लिक करोगे तो क्या आएगा, थैंक्स फॉर योर फीडबैक, बस। इसके अलावा जयराम जी की ना तो इनका कोई मेल आएगा, ना उसका जवाब आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, बस बैठे रहो आप, महीनों तक कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये है इनका एटीट्यूड, ये है इनका तरीका, ये पूरी तरह से पागल बना रहे हैं अपने जो हमारे हम जैसे जो इनके एसोसिएट्स हैं उनको ये बना रहे हैं बेवकूफ। अब यही जैसे आप देख रहे हो, ये है फ्लिपकार्ट की कहानी। अब इसी की जगह पर अगर मैं बात करूं अमेजोन की, तो अमेजोन और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो क्यों है वो आप जान लीजिए, अब मैं दिखाता हूं अमेजोन का। अब अमेजोन का जो एफिलिएट प्रोग्राम है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, फ्लिपकार्ट से बहुत ही बेहतरीन है। क्यों है, तो इसके अंदर बेसिकली कोई भी आपकी जो अर्निंग है उस पर कोई भी जो अर्निंग है उस पर कोई भी कैप नहीं है। आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो, जितनी आप मेहनत करोगे, जितने आपकी जो अर्निंग होगी, कमीशन बनेगा, वो पूरा कमीशन आपको मिलता है यहाँ पर, और हर महीने अपने आप ही आपके बैंक अकाउंट में आपकी जो पूरे महीने की अर्निंग है वो ट्रांसफ़र हो जाती है बिना किसी दिक्कत के। तो सबसे बढ़िया इस समय इंडिया के अंदर अगर कोई एफिलिएट प्रोग्राम है तो वो है अमेजोन। और आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग से दूर ही रहें, ये मेरा अनुभव है इसके साथ। और काफ़ी टाइम से मैं कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन मुझे लगा कि इस चीज़ से आप लोगों को भी अवेयर करा देना चाहिए, आप लोगों को भी अवगत करा देना चाहिए, जिससे आप लोग इनके साथ बेवकूफ़ ना बने। आज के वीडियो में फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैंने जो अपने विचार रखे हैं, क्या आप उन विचारों से सहमत हैं या नहीं हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपका फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग के साथ कोई अनुभव है तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। Thanks for watching. Please subscribe, like, share and press bell icon button. Thank you.